ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि अब 7.5 लाख रुपए तक की कमाई पर आप टैक्स पूरा का पूरा कैसे बचा सकते हैं। ये बात सही है कि सरकार ने आम बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन आप चाहें तो बुद्धिमानी से निवेश करते हुए 7.5 लाख रुपए तक की सालाना कमाई पर इनकम टैक्स बचा सकते हैं। इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट में कुछ विकल्पों का इस्तेमाल करना है। अब कैसे इस्तेमाल करना है वही हम आपको बताने जा रहे हैं। धारा 87A के कारण 3 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स नहीं देना होगा। तो 87A के तहत मिलने वाली छूट जो 5 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले लोगों को 5,000 रुपए तक मिला करती थी, उसे घटाकर 2,500 रुपए कर दिया गया है। अब अगर इनकम टैक्स रेट और धारा 87A को जोड़कर देखें तो जिन लोगों की आय 3 लाख रुपए है उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा। अभी धारा 80C के तहत आप 1.5 लाख का निवेश कर सकते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत आप 1.5 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं। इसमें आपको तमाम विकल्प मिलते हैं, जैसे कि जीवन बीमा, इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम, प्रोविडेंट फंड, 5 साल के टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट, होम लोन के मूलधन का भुगतान, बच्चों के स्कूल की ट्यूशन फीस इत्यादि। टैक्स एक्सपोर्ट के जो स्पेशलिस्ट हैं उनके अनुसार अगर आपने घर की खरीदारी होम लोन लेकर की है तो उसमें रहते भी हैं तो इसमें 2 लाख रुपए तक का ब्याज भुगतान पर डिडक्शन का लाभ ले सकते हैं। अगर यह घर आपका पहला घर है और घर की कीमत 50 लाख से कम है और आपने 35 लाख रुपये से कम का होम लोन लिया है तो आप 2.5 लाख तक की कटौती का लाभ ले सकते हैं। फिर आयकर में कटौती का 2 लाख रुपये का लाभ आयकर अधिनियम की धारा 24B के तहत मिलता है, जबकि पहला घर खरीदने पर मिलने वाला अतिरिक्त 50,000 की कटौती का लाभ धारा 80EE के तहत मिलता है। अभी मेडिक्लेम के जरिए 50,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। लगातार महंगे होते हेल्थ केयर को देखते हुए हर किसी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना ज़रूरी हो गया है। इसमें ना केवल आप विपरीत परिस्थितियों में हॉस्पिटल के खर्च से बच जाते हैं बल्कि इसके प्रीमियम के भुगतान पर आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन का लाभ भी मिलता है। अगर आप अपने और परिवार के लिए मेडिक्लेम ले लेते हैं तो 25,000 तक के प्रीमियम पर डिडक्शन का लाभ ले सकते हैं। अगर आप अपने माता पिता के मेडिक्लेम के प्रीमियम भी भरते हैं तो 25,000 रुपये और जोड़ लीजिए, मतलब कुल मिलाकर 50,000 रुपये। फिर NPS में रिटायरमेंट के लिए निवेश कर सकते हैं आप। आयकर अधिनियम की धारा 80CCD मतलब 1B, उसके तहत आप नेशनल पेंशन सिस्टम के खाते में 50,000 रुपये सालाना जमा कर सकते हैं तो आयकर में अतिरिक्त कटौती का लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार बचत करने पर आपको इनकम टैक्स के तौर पर किसी तरह का भुगतान करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, समय आने पर अपने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना मत भूलिए, नहीं तो बजट प्रस्ताव के अनुसार 10,000 रुपये तक की नोट फीस आपको देनी पड़ जाएगी जो लेट फीस है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।